हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है JRF अड्डा चैनल पे। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा। सो गाइज, अगर आप लोग जून 2024 टारगेट कर रहे हैं CSIR नेट लाइफ साइंसेज के लिए, सो गाइज आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा एप्लीकेशन पे। यहाँ पे अभी ये कोर्स ज्वाइन करने पे आपको कोर्स एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा, विच इज़ 13,999, जिसके लिए 12 मंथ्स की वैलिडिटी मिल जाएगी। सो गाइज, आज का सेशन मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ देने के लिए। दैट इज़ कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर PhD में अप्लाई करने के लिए अभी एप्लीकेशन फॉर्म्स निकले हैं। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसकी वेबसाइट खोली है, NRII.RES.IN के ऊपर जब मैंने ये वेबसाइट है इसको डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगी। सो गाइज, ये वेबसाइट खोलने पर हम यहाँ देख सकते हैं PhD 2024 ये दे रखा है। सो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं ये गिवन है। सो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो बिगिन हो रहा है आज से, विच इज़ 26th of February 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 25th of March 2024। एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हो जाएंगे 8th of April 2024 के बाद। उसके बाद में जो एग्जामिनेशन डेट है वो है 28th of April संडे को, और इस एंट्रेंस एग्जाम का जो रिजल्ट है वो निकल जाएगा 6th of May को 2024, 6 मई 2024 को रिजल्ट निकल जाएगा। सो गाइज, ये जो PhD के अंदर एडमिशन है दिस इज़ फॉर मॉनसून सीजन, ठीक है, मॉनसून सेशन के लिए। यहाँ पे रिजल्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो हो रहा है ये वाला। सो रिजल्ट आपका यहाँ पे मई तक रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद में इंटरव्यूज़ के फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड की डेट्स दी हुई है, जो कि है जून के अंदर, जून 4 to 6 एंड 10 to 12 जून, यहाँ पे हमें डेट दी हुई है। सो यहाँ पे गिवन है एक लिंक जहाँ प्लीज़ क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ, सो गाइज ये एक पेज ओपन होता है जहाँ पे हमें एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। सो ये मैं एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करती हूँ। सो गाइज, एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने पे यहाँ हम देख सकते हैं कि पूरा डिटेल गिवन है कि एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25 मॉनसून सीजन। सो मॉनसून सेशन के लिए यहाँ पे हमें एडमिशन अभी मिलेगा, और कौन कौन से रिसर्च एरियाज़ हैं जिनके अंदर PhD आप कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीजेस बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कॉम्पिटिशनल बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंदर आप PhD कर सकते हैं। सो गाइज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के अंदर अगर आप PhD करना चाहते हैं और ये टेस्ट देना चाहें तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, MSc चाहिए किसी भी ब्रांच में, साइंस की, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या फिर MTech, MBBS, MPharm, इंटीग्रेटेड MSc और इक्वलेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। और उसके अलावा क्वालिफिकेशंस इक्वलेंट एज पर नॉर्म्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। नाउ 60% एग्रीगेट चाहिए आपके 10th 12th के अंदर और ग्रेजुएशन लेवल तक, और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे 55% एग्रीगेट स्कोर आपका होना चाहिए, और 5% रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है जो सीनियर सेकेंडरी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री के अंदर जो कैंडिडेट्स रिजर्व कैटेगरी से हैं, जैसे कि OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, PWD एंड EWS। सो इन सभी कैटेगरीज को अगर इनका 10th 12th और ग्रेजुएशन के अंदर 5% मिला है, मतलब ग्रेजुएशन 10th 12th के अंदर 55% एग्रीगेट चाहिए और MSc के अंदर 5% रिलैक्सेशन का मतलब 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। सो कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन इन द करंट एकेडमिक ईयर और आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। जो बच्चे अभी MSc फाइनल ईयर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं, और यहाँ पे शर्त मांगी गई है कि आपका जो भी कोर्स है वो रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो जुलाई 2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, आपका रिजल्ट आ जाए और आपके हाथ में रिजल्ट हो, सो दैट यू कैन शो इट। सो वो वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अपेयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। नाउ सीट्स जो है वो रिजर्व्ड है, 15% सीट्स फॉर SC, 7.5% फॉर ST, 27% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर एंड 5% फॉर फिजिकली डिसेबल्ड। और इसके अलावा EWS कैटेगरी के लिए 10% रिजर्वेशन अलग से दिया गया है, और बाकी जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए दो चैनल्स बताए गए हैं। जो फर्स्ट चैनल है वो बता रहे हैं, जो ये वाला पर्टिकुलर एग्जाम जिसका भी एडवर्टाइजमेंट निकला है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है,
और ये जो एग्ज़ाम है इसको जो बच्चे क्लियर कर लेंगे उनको बाद में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू क्लियर करने पे आपको यहाँ पे एंट्रेंस मिल जाएगा। सो एक चैनल तो यही वाला एग्ज़ाम है, और दूसरा चैनल क्या है, एक और जो जॉइंट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम इन बायोलॉजी एंड इंटर डिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम होता है, जिसको जे जी एबल्स बोलते हैं, 2024 वाला एग्ज़ाम, अगर आपने ये क्लियर किया हुआ है। सो गाइज ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर करता है, इसके लिए एक अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, कि कौन कौन से अलग अलग फेलोशिप के लिए ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। सो उसमें इसके लिए थोड़ा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो ये एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है, या तो आपने ये क्लियर किया हो, या फिर ये जो एग्ज़ाम हो रहा है जिसका भी एडवर्टाइजमेंट निकला है, ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप इस इंस्टीट्यूट के अंदर पहले आपका इंटरव्यू होगा 2 राउंड्स, उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉल कर लिया जाएगा। सो कैंडिडेट्स मस्ट अपियर इन एनी वन ऑफ द टू एग्जामिनेशन मेंशनड अबव। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू शैल बी अवेलेबल ऑन NII वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड बिफोर 6 मई। 6 मई से पहले पहले इंटरव्यू के बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका लिस्ट ये लोग लगा देंगे। सो उन स्टूडेंट्स का फिर होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू होगा 4 से 6 जून, और सेकेंड राउंड होगा 10 से 12 जून 2024 को, और उसके बाद में फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा। जो पीएचडी प्रोग्राम है वो चालू होगा 1 जुलाई 2024 मंडे से। नाउ जो स्टूडेंट्स ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो करंटली जिनके पास अगर कोई CSIR नेट GRF नहीं भी है, तो आप लोगों को NII की तरफ से 37,000 रुपीज़ पर मंथ GRF मिलेगा, जो कि CSIR नेट GRF के इक्वलेंट ही है। और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी जिनके पास CSIR UGC ICMR DBT DST या कोई भी और जगह से फंडिंग एजेंसी से फंडिंग अवेलेबल है, सो उन लोगों के लिए वो वाली फंडिंग एप्लीकेबल रहेगी। सो NII का रेजिडेंशियल कैंपस है जहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन बच्चों को मिलेगा। इसके अलावा जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो दे रखा है, कैंडिडेट्स को अपना जो एप्लीकेशन है वो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे यहाँ पे सबमिट करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस होगी 1200 रुपीज़ की फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और इसके अलावा जो बाकी कैटेगरीज हैं उन लोगों के लिए जो 600 रुपीज़ का फीस है वो एप्लीकेबल है, एंड दिस इज़ नॉन रिफंडेबल। और 26 फरवरी से लेके 25 मार्च तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट आप कर सकते हैं। सो गाइज ये सारी चीज़ें हैं, सब डिटेल यहाँ पे दे रखी हैं, डेट्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, अगर आपका CSIR नेट GRF नहीं भी क्वालिफाई हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वाला एग्जाम अगर क्लियर कर लेते हैं और इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर कर लेते हैं तो इक्विवेलेंट ही GRF आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से मिल जाएगी। और गाइज बिलीव मी बहुत ही अच्छा एस्टीम्ड एक इंस्टीट्यूट है जहाँ अच्छे लेवल का वर्क होता है। सो यहाँ पे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अगर आपने CSIR की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर रखी है, अगर आप कर भी रहे हैं तो आपको ज़रूर इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहिए, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। सो गाइज ऑल द बेस्ट, अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आई होप आपका अगर CSIR नेट GRF नहीं हुआ है तो ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा।